الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سب زدني علما يا فتاة يا فتاة يا فتاة کچھ دنوں سے تو ہمارا اس محفل کا سلسلہ کچھ ٹوٹا ہوا بھی تھا और बीच में कुछ नए साथी भी जुड़े और कुछ पुराने साथी भी हैं लेकिन एक ज़रूरत महसूस हो रही थी कि एक टॉपिक है जिसको हम जितना हमें समझना चाहिए जितना हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए जितना हमें उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आने की ज़रूरत है शायद वो अभी उतना आया नहीं है और वो था ज़िक्र की अहमियत कि ज़िक्र है क्या हमारे जो जिस तरीके पे हम चलते हैं उसमें जिक्र की अहमियत है क्या ज़िक्र से फ़ायदा क्या होता है ज़िक्र किस किस्म का होता है जाहिर जिक्र क्या होता है खफ़ी जिक्र क्या होता है जिक्र कब कब करना चाहिए हर वक्त ज़िक्र की कैफियत किस तरह हासिल होती है ज़िक्र से आ, किन किन चीज़ों से बता फ़ायदा पाता है किन चीज़ों से बच जाता है ज़िक्र किस तरह बंदे की मदद करता है आखिर जिक्र है क्या चीज़ जिक्र करना कैसे है कब करना है कौन सा वक्त सही है किस तरीके पर करना है जागते हुए करना है सोते हुए करना है ड्राइव करते हुए करना है ज़ुबान से करना है दिल में करना है ये तमाम बातें बहुत से सवाल आते बहुत सी चीज़ें जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने मुझसे पूछते रहे तो दिल में अला साल ने ख्याल डाला कि क्यों ना हम क्योंकि हम ज़्यादातर जो साथी पहले आते रहते हैं उनको आइडिया है कि हम ज़्यादातर एक सीरीज़ के ऊपर ही बात करते हैं किसी एक चीज़ टॉपिक को पकड़ के उसको खोल के हम बयान करने की कोशिश करते हैं तो दिल में ख्याल आया कि हम ज़िक्र के ऊपर चार पांच सेशंस कर दें ताकि जो जिक्र की तफसी हैं जो भी इनके जितने भी मैंने अभी बात ज़िक्र जिक्र किया उनको समझने में आसानी हो जाए कि आखिर इसको करने का सही तरीका है क्या तो आज से इन हम उसी सिलसिले को शुरू करेंगे इन शाला शाहिद भाई आ जाएंगे तो हम अपने यूट्यूब के की ब्रॉडकास्ट को भी दोबारा शूट कर शुरू करते हैं ताकि जो साथी नहीं सुन सक रहे थे या लाइव शिरकत नहीं कर सक रहे थे वो भी कर सकें और इन रिकॉर्डिंग तो हम शेयर करेंगे सबके साथ ताकि सबका फ़ायदा हो जाए तो जिक्र जो है दो चीज़ों आप मुख्त चीज़ों का नाम जिक्र है लेकिन जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक के लिए भी इस्तेमाल किया इन्ना नाहनु नजन्ना ज़िक्रा बन्नाल्हा फ़िजून कुरान पाक को भी अल्लाह अला ने ज़िक्र कहा कि कुरने पाक पर ख़ुद भी जिक्र है और एक जिक्र का मान ये हैं कि अल्लाह के नाम को याद करना हम जिस ज़िक्र का तस्करा करते हैं वो जिक्र अल्लाह सुबहाना ताली के नाम को याद करना है अल्लाह सुबहाना ताल को याद करना है और किस तरह याद करना है फिर वो उसके मख्त वजूहत मख्त तरीक़े लेकिन एक बात जिसको समझना ज़रूरी है वो ये है कि इंसान का दिल जो है वो कभी ख़ाली नहीं होता इंसान का दिल कभी ख़ाली नहीं होता या तो वो ज़िक्र इलाही में मशगोल होता है या वो शैतान का मस्कन होता है या वो अल्लाह की याद में डूबा होता है या वो शतान के वसाविस में उलझा हुआ होता है या उसमें मौसन हकीकी की मोहब्बत होती है या उसमें गैर की मोहब्बत होती है कोई इसकी तीसरी स्टेट नहीं है कि अभी वह ख़ाली है वेकेंट है वेकेंट स्टेट कोई नहीं उसमें वैक्यूम नहीं हो सकता या तो उसमें अल्लाह है या उसमें गैर अल्लाह है ये इंसान की एक स्टेट है अब अल्लाह सुबहान जो हैं वो हमारे खालिक हैं मालिक हैं अल्लाह ने हमें बनाया है हर चीज़ हमारे पास अल्लाह की दी हुई है हम जो हैं जैसे हैं जिस हाल में हैं अल्लाह के हुक्म से हैं ये हमारे लिए एडवांटेजेस है कि हम अपने अंदर अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करें अल्लाह की मोहब्बत को डालें अल्लाह की मोहब्बत को उजागर करें अल्लाह की मोहब्बत से अपने दिल को भरें ये हमें हमारे, हमारा हमारा फ़ायदा है अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो यही है कि शैतान इस दिल में आ जाएगा और शैतान को अल्लाह अल्ला ने कहा कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है ये डिक्लेर्ड एनमी है कुछ एनमी होते हैं वो हिडन एनमीज़ होते हैं लेकिन शैतान जो है वह हिडन एनमी नहीं है शैतान डिकलेर्ड एनम है अला सब तहन शैतान अलकुम अदूवा फत तख़ु अदूवा कि बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है बस तुम इसको अपने दुश्मन की तरह लो इससे गाफिल मत हो हलम अहद अला कमयाबन आदमा अल्ला तबैतान इन्कुम अदूब व मुबीन कि ए बंदे क्या तुमने हमने तुमसे अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान के दोस्त नहीं बनोगे वो तुम्हारा खुला दुश्मन है फिर आगे अल्ला ने यह भी कह दिया था कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है फिर उन्होंने अल्लाह तारा ने कहा था कि वो आने मेरी इबादत करना और ये हाजा सरात मस्तक़ीम यही सरअत मस्तकीम है तो जब हम अल्लाह के ज़िक्र से गाफ़िल होते हैं तो हमारे पे जो चीज़ मुसलस होती है वो शैतान होती है और जो शैतान जब हमारे ऊपर मुसरत होता है तो शैतान का काम ही ये होता है कि वो हमें अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लौटने भी ना दें शैतान असल में ज़िक्र जो है वो आप यूँ समझ रहे हैं एक बाउंड्री लाइन है जिक्र एक बाउंड्री है जो कि हमारे इर्द गिर्द एक जब एक महल होता है उस महल के बाहर एक बाउंड्री होती है और फिर उस बाउंड्री से बाहर एक उन्होंने अक्सर पानी के वो बनाई होती है जो आउटर बाउंड्री होती है उस सबसे अंदर महल होता है हमारा ईमान हमारा महल है हमारी नमाज हमारी वो सतून है वो दीवार है जो हमें उस ईमान को बचा के रखती है उससे बाहर जो बाउंड्री लाइन है वो ज़िक्र है शैतान जिस चीज़ को सबसे पहले पेनट्रेट करने की कोशिश करता है वो ज़िक्र है शैतान कहता है कि मैं इसको कमज़ोर कर दूँ जब मैं इसको कमज़ोर कर दूँगा तो फिर मैं अगली चीज़ नमाज को भी कमज़ोर करना शुरू कर दूँगा और जब वो नमाज को गिरा देता है तो फिर उसको पता होता है कि मैं अब इस बंदे के ईमान को गिरा सकता हूँ और यही वजह है कि ताला ने कहा कि कि वो अन ज़िक्र रहमान जो रहमान की आँख की की याद से अपनी आँख को चुराए लहू शैताना कि हम उसके ऊपर शैतान को मसलत कर देते हैं फहअल करीम कि वो उसका साथी बन जाता है फिर एक और जगह सुबह तारा ने कहा कि जो लोग तकवा रखते हैं उनके बारे में कहा इन लजीनत तक ऐज़ा मस्तायफ़त मिनशैतान तजक करूँ कि जो लोग अल्लाह का तकवा रखते हैं डर रखते हैं जैसे ही उनको कोई वशफ़सा दिल में आता है उनको ये महसूस होता है कि शैतान उनको छूने वाला है वो फ़ौर अल्लाह का जिक्र करते हैं तो फिर अल्लाह ताली उनकी आँखें खोल देते हैं हर चीज को वज तौर पर देखना शुरू कर देते हैं वो जान लेते हैं ये जो अटैक मुझ पर आ रहा है ये शैतान की तरफ से हजरत एक बात समझाते हैं कि अगर आपको बात समझ ना आ रही हो तो इसको इस तरह समझें कि जब शैतान अल्लाह सुबह के अपने घर पर हमला हाथियों ने करना चाहा तो अल्लाह तला ने छोटी छोटी चिड़ियों को कंखड़ियाँ दी और उन कंखड़ियों चिड़ियों उन ने उनके ऊपर कंखड़ियाँ ऐसी बरसाईं कि वो हाथी जो है वो बिल्कुल मलिया मेट हो गए तो जब शैतान दिल पे हमला करना चाह रहा हो जो कि अल्लाह का घर है इंसान के जिसम में तो अगर हम ला इल्लल्लाह की ज़रब लगाएँगे तो वो ज़रब जो है वो उसी तरह कंकड़ियों की तरह जाती है और वो उस शैतान को मेट कर देती है अब एक तालब इन के ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि भाई अगर आप कहते हैं कि अल्लाह का अपना घर है तो बैतल्ला भी अल्लाह का अपना घर था उसकी हिफाजत भी अल्लाह ने कर ली दिल भी अल्लाह का घर है इसकी भी हिफाजत अल्लाह ख़ुद कर लें हमें क्यों दे दिया तो उसमें फ़र्क यह है कि यह बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किराए का घर जब किसी किराएदार के पास होता है तो मालिक मकान की जिम्मेदारी नहीं होती कि घर को साफ रखे किराएदार की जिम्मेदारी होती है कि घर को साफ रखे मालिक मकान तो जब चाहे आ विज़िट कर ले लेकिन साफ रखना काम किराएदार का होता है तो हमारा जिसम भी हमारे पे कराई की इानद है हमें मिला हुआ है हमारी जिम्मेदारी है तो इसको साफ रखना हमारा काम है एक और तरीका जिससे बात समझ में आ सकती है कि शैतान हम पे किस तरह हमला करता है वो ये है कि जब पुलिस किसी चोर को पकड़ती है या फौज किसी दुश्मन को पकड़ती है तो सबसे पहले उससे क्या कहती है हैंड्स अप।, अप करवाती है ना कि ताकि इसको पास जो भी इसके हथियार हैं वो उनसे छीन लिए जाए इसी तरह शैतान भी जब हमला करता है तो सबसे पहले चीज़ जो करता है वो आपसे आपका जिक्र छीन लेता है क्योंकि उसको पता है कि जो मैंने वही बात चुके जब जिक्र छीन लिया तो वो उस आपकी हर चीज पे हमला कर लेगा अल्लाह सुबह कहते हैं कि इन नाय शैतान आई युक अब नकुमदावता कि जब भी शैतान ये इरादा करता है कि तुम्हारे दरमियान में बुगस डाले या अदावत पैदा करे तो वो क्या करता है वही वहीसदुम अंसलाती कि वो तुम्हारी ज़िक्र और तुम्हारी नमाज उनके ऊपर हमला करता है वो उनको तुमसे छुड़ा देता है पहले किस चीज़ को छुड़ाता है पहले ज़िक्र को फिर जिस चीज़ को छुड़ाता है वो सलात है पिछले दिनों मैं सुर सुर नाश की तफ्वीर पढ़ रहा था सुर नास के उसमें वो कहते हैं कि नास नास लासुबर रब्न्ना मालिक नान्नासि यू वस वूफ़ी सदूर नन्नासि यू वस सुदूर नास तो ये जो उनकी ज़िक्र किया ना कि ये ये कौन लोग हैं जो वसव डालते हैं उनके क्या तरीक़े हैं तो उसकी तफसीर में ये बात आती है कि शैतान इंसान के दिल में दो खाने एक में हदीस शरीफ में आता है कि इंसान के दिल में दो खाने हैं एक में फ़रिश्ता है और एक में शैतान है अगर जब इंसान जिक्र की हालत में होता है तो फरिश्ता इंसान को नेकी की तरफ बुलाता है उसको नेकी की तरफ उसको जो है वो मोटिवेट करता है और जब इंसान गाफिल होता है तो शैतान जो है वो जिस तरह मच्छर अपनी जो चोंच होती है वो डाल के काट के फिर उसको वापस रिट्रीव कर लेता है इसी तरह शैतान भी जो है वो इसी तरह जैसे ही वो देखता है कि इंसान का दिल गाफ़िल है वह अपनी चोच डाल के बसपू से डालता है और फिर जैसे ही वो देखता है कि वह वापस जिक्र की तरफ आ रहा है उसको वो हटा लेता है तो ये जो चोंच का अंदर जाना आना है ये इंसान के जिक्र से है तो उसमें मेरे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझसे सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है कि जब हम नमाज़ पढ़ रहे हों उस वक्त भी हम गाफिल में होते हैं उसको तो हम जिक्र की हालत में होते हैं लेकिन नमाज जो है वो दो चीज़ों का नाम है एक हाज़री का नाम है और एक हजूरी का नाम है हाज़री तो हो जाती है हजूरी तब होती है जब दिल भी नमाज में मौजूद हो जब दिल अल्लाह के सिक्र से गता है जब दिल जो है वो कहीं और होता है जब दिल में अल्लाह की याद नहीं होती तो फिर चाहे हरकत हम जो भी कर रहे हो हती कि हम कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं कुरान पाक की तदावत कर रहे होते हैं और हमारे दिल में दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें चल रही होती हैं पूरा पूरा रकू पढ़ लिया पूरा पूरी जो है वो नफ् पढ़ लिया पारा पढ़ लिया लेकिन समझ नहीं आई कि क्या पढ़ा देखा नहीं ध्यान नहीं हुआ कि क्या क्या चीज़ें अल्फाज गुजर गए क्यों क्योंकि दिल काफिल होता है और शैतान के वसाविस का ताल्लुक दिल के जिक्र से है दिल आपका हाज़िर है कि नहीं है जब दिल हाज़िर नहीं होता तो फिर शैतान उसमें भी गफलत पैदा कर देता है और फिर यही वजह है कि जो कुरान पाक ने नमाजों को मकाम दिया कि सलाह अनफाशा मुनकर। नमाज क्या करती है इंसान को बुराइयों से रोकती है फहश कामों से रोकती है हम अपनी ज़िंदगी में नज़र डालने पाँच वक्त के नमाजी होंगे अलहद लेकिन फाशद के कामों से भी नहीं रुकेंगे बुरे कामों से भी नहीं रुकेंगे इसका क्या मतलब है कि क्या कुरान पाक की आयत में कोई गलती है नाजुफ़ीला क्या क़ुरान पाक ने कोई बात ग़लत कह दी ऐसा तो नहीं हो सकता वो तो ये है कि हम ने नमाज को उस तरह अदा नहीं किया जो कि उसके अदा करने का हक था और क्योंकि हम नमाज को उस तरह अदा नहीं करते जिसका जो उसका हक़ था इसलिए जो है वो नमाज हमारी हमें बुरे कामों से नहीं रोकती फौज कामों से नहीं रोकती एक वक्त था कि लोग मशाइ से बैत करते ही इसलिए थे कि हज़रत आप हमें नमाज पढ़ना सिखा दें, चूँकि मशाइ ज़िक्र सिखाते हैं और ज़िक्र का जो असल है वो नमाज में नज़र आता है कि जो हम ज़िक्र करते हुए दिल के ऊपर मुतव होते हैं और इस बात को कहते हैं कि अब हमने किसी ख्याल को नहीं आने देना दिल में इस बात को मतवज रहना है कि मेरा दिल अल्लाह का जिक्र कर रहा है और मैं उसको सुन रहा हूँ और दिमाग को ख़्याल से फ़्री रखना है ये असल में एक एक्सरसाइज़ है ये एक एक्सरसाइज़ है अपने दिमाग को ख्यालात से फ्री रखने की और ये जो तवज्जो हासिल होती है कि एक जगह पर एक नुकते के ऊपर मतवज होकर फिर बाकी तमाम ख़्याल को हटा देना ये इसका असल नज़र आता है नमाज के अंदर कि नमाज़ में फिर मुकम्मल हाज़री होती है कामिल हाज़री होती है फिर वो नमाज़ होती है जो कि खुश व ख़ुदो वाली नमाज होती है वो नमाज होती है जो हजूरी वाली नमाज होती है एक बंदा था वो किसी के पास गया उन्हें कहा कि वो जो फनाज शेख हैं मुझे अब यकीन हो गया है कि वो बहुत ही कामिल शेख हैं उन्होंने कहा आपको कैसे यकीन हुआ उन्होंने कहा कि जी मेरी बेगम ऐसे नाराज़ हो चली गई थी मैंने उनसे कहा कि मेरी मैंने अपने ससुराल वालों की बड़ी मिन्तें तल्ली कि उसको भेज दें उन्होंने नहीं भेजा मैं रोता धोता शेख के पास गया शेख से कहा कि मुझे कोई हेल्प करें तो उन्होंने कहा कि तुम यह अमल करो इन तुम्हारी बेगम तुम्हारे पास वापस आ जाएगी मैंने वो किया और कुछ देर बाद मैं गया और मेरे ससुराल वालों ने बग़ैर किसी हजत के मेरी बेगम को मुझे दे दिया वो आ गई मेरे पास वापस मुझे तो अब यकीन हो गया कि वो बड़े कामली शेख हैं तो बुज़ुर्ग ने कहा कि अफसोस कि तुमने अपनी शेख की कदर नहीं की उसने कहा असर तो मैं आपको कह रहा हूँ मुझे यकीन है कि वो कामिल शेख आप कह रहे हैं मैंने कदर नहीं की वो कहते हैं कि तुमने उनसे अल्लाह को नहीं मांगा बीवी को मांगा अगर तुम अल्लाह को मांगते तो वो तुम्हें अल्लाह भी दिला देते तुमने तो बीवी मांगी तो बीवी तुम्हारे पास वापस आ गई तो ज़िक्र जो है वो इंसान के कल में सुकून को पैदा करता है अला बेजिक्ल तत्तमाकलूब कि दिलों का सुकून दिलों का में जो द पीस ऑफ हार्ट वो सिर्फ जिक्र के साथ ही है इतमान ज़िक्र के साथ ही है बाकी और जो दिल ज़ाकिर हो जाए उसकी मिसाल ऐसे होती है जैसे एक बंदा एक ग्लास कैबिन में बैठा हो और बाहर एक बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान चल रहा हो वो उस ग्लास कैबिन में बैठा देख तो रहा है कि आंधी तूफान है हर तरफ जो है वो चीज़ें बिखर रही हैं उछ उखड़ रही हैं तबाही मिच रही है लेकिन क्योंकि वो अपने ग्लास कैबिन में होता है वो अंदर से बिल्कुल सुकून में होता है उसको कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही होती इसी तरह जिस जो जाकिर दिल होता है उसके भी यही हाल होता है कि उसको बाहर इर्द गिर्द तो अपने नज़र आ रहा होता है कि सब चीज़ें खराब हो रही हैं माहौल ख़राब हो रहा है हर चीज़ जो है वो तबाही की तरफ जा रही है लेकिन उसके अपने दिल में बिल्कुल सुकून होता है उसको कोई परेशानी नहीं होती उसको कोई चीज़ जो है वो तकलीफ़ नहीं दे रही होती और ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कि जो याद का मकाम है वो दिल है अल्लाह ने दिल को ख़ास किया अपनी याद के लिए ना दिमाग को ना हाथ को ना पाँव को न जुबान को न आँखों को जिस चीज़ को याद किया है वो दिल को और दिल में जब इंसान अल्लाह को याद कर रहा होता है तो फिर फिर बाकी औजा जो हैं वो अपने कामों में मशगूल होते हैं लेकिन अल्लाह की याद मुस्तकिल इंसान के अंदर रहती है वो एक मशहूर फ़िक्रा है जो हमारे मुशाह कहते हैं कि दस्त पकार दिल बार के हाथ काम काज में मशगूल लेकिन दिल जो है वो अल्लाह की याद में मशगूल दिल में हर वक्त अल्लाह का जिक्र दिल में हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र हजरत ख्वाजा शाहबुद्दीन सरवदी एक दफ़ा हज पे गए तो उन्होंने देखा कि एक बंदा है वो खाना काबा के साथ खड़ा हुआ है और गिलाफ काबा को पकड़ के खूब दुआएं मांग रहा है हजरत ने उसके दिल पे तो डाली तो देखा कि उसका दिल जो है वो गाफ़िल है उसको ये फ़िक्र ज्यादा थी कि एक मिसा दुआएं मांग रहा हूँ रो रहा हूँ कि काश मेरा कोई साथी मुझे देख ले तो उसको ज़रा पता चले कि देखो मैं कितनी अल्लाह से मोहब्बत के साथ दुआएं मांग रहा हूँ वो तो कहते हैं इसके बाद मैं मिना गया वहाँ पे एक बंदा था वो दुकान में खरा हुआ चीज़ें बेच रहा था और बहुत भीड़ लगी हुई भी थी और बहुत लोग उससे सामान खरीदना चाह रहे थे मैंने उसके दिल की तरफ तो की तो वह मुसलसल ज़िक्र में था एक लम्हे के लिए भी वो गाफिल नहीं हुआ था तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक लम्हे के लिए भी अल्लाह से गाफिल नहीं होते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बैतुल्ला में खिलाफ काबा को पकड़ के भी खड़े होते हैं लेकिन दिल उनका अल्लाह के साथ नहीं जुड़ा हुआ था तो जो जिक्र की हालत है वो आपके दिल की कैफियत से है आपकी फिजिकल स्टेट से नहीं है अब कोई हमसे यह कह ये कैसे हो सकता है कि कोई हर वक्त दिल जो है किसी की याद में हो ऐसा तो कभी हमने देखा ही नहीं लेकिन ऐसा हम सब ने एक्सपीरियंस ज़रूर किया होता है मैं भाई सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ किसी की वालदा बीमार थी ख़ुद वो उनके साथ नहीं था घर वालों ने फ़ोन करके बताया कि वालदा बीमार है या बेटा बीमार है या कोई अपना अजीजी करीब रिश्तेदार बीमार है कल सुबह उनका ऑपरेशन होना है अब रात से दिल में खटका लगा हुआ सोते हुए आखिरी ख्याल ये आ रहा कि सुबह वालता का ऑपरेशन है अल्लाह खैर करे सुबह उठ के अच्छा अब वहाँ पर यह टाइम हो गया होगा डॉक्टर्स आ गए होंगे उन्होंने फाइनल प्रोसीजर कर लिया होगा अपने उठ के यहाँ काम काज कर रहा है नाश्ता कर रहा है और साथ साथ ये भी देख रहा है दिमाग में दिल में यही चले जा रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है ऑफिस चला गया अच्छा अब तो ऑपरेशन का टाइम हो गया है शायद वो ऑपरेशन थिएटर चली गई होंगी अब काम भी कर रहा है देख रहा है कोई मैसेज नहीं आया कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया नहीं हुआ एक घंटा दो घंटा तीन घंटे के बाद ख़ुद फ़ोन करके पूछेगा क्या हुआ अभी तक कोई अपडेट नहीं दी ऑपरेशन हो गया था कि नहीं हुआ कहा पूरा दिन अपने ऑफिस के चल रहे हैं लेकिन दिल में क्या ख्याल आ रहे हैं बार बार वही ख्याल आ रहा है कि क्या वहाँ पर चीज़ हुई कि नहीं हुई तो जब किसी चीज़ की मोहब्बत दिल पर गालिब होती है जब कोई इसी चीज़ की फिक्र दिल परिब होती है तो दिल उसको याद करता रहता है कभी हमने ये सुना है कि कोई माँ अपने बेटे को ये ख़त में लिखे कि बेटे मैंने तुम्हारे हाथों ने आज तुम्हें बहुत याद किया मेरी आंखों ने तुम्हें, तुम्हें बड़ा याद किया आज मैं पूरा दिन ज़ुबान से तुम्हारा नाम लेती रही माँ बेटे को यही लिखती है बेटे आज में आज पूरा दिन में तुम्हें दिल में याद करती रही ऐसा ही है दिल में याद करते रहते हैं तो दिल ही वो जगह है जहाँ पे इंसान अल्लाह को याद करता है और ये जो दिल में याद करना है उसका दूसरा नाम ज़िक्र खफ़ी है इसी का नाम जो है रजू अनाबतला है, है तवज्जो है ये जो हम अपने सिलसिले में जिक्र खफ़ी सिखाते हैं कि अल्लाह अल्ला करके ज़िक्र करना सीखें दिल की तरह मतव हों अल्लाह अल्ला करना शुरू करें तो लोग उस पर एतराज़ भी करते हैं कि जी ये कहाँ से तरीका आ गया ये तो उसकी तो कोई दलील ही नहीं मिलती तो इसके ऊपर मशाइ ने लिखा कि इसकी दो तीन वजूहत पहली वजह तो इसकी ये है कि असल जो अल्लाह अल्लाह करके ना सिखाया जाता है वो इंसान की तवज्जो अल्लाह की तरफ फोकस करने की वजह अब एक बच्चे को जब कुरान सिखाया जाता है तो उसको पहले क्या पढ़ाया जाता है नौरानी कायदा पढ़ाया जाता है नौरानी कायदा उसको इसलिए पढ़ाया जाता है कि उसको जो है वो जे करने आ जाए उसको तलफ़्ज़ सही हो जाए उसके मुंह से अल्फाज निकलना शुरू हो जाए जब तक ये नहीं होता तो वो उसको कुरान पढ़ने की आदत नहीं पैदा होती तो ये जो अल्लाह अल्लाह सिखाया जाता है ये भी इसलिए है कि दिल को आदत हो जाए अल्लाह की तरफ मुतवज़ होने की और जब दिल मुतवज होना सीख जाता है तो फिर दिल में से जारी हो जाता है लेकिन दिल में जब तक तोज्जो ही नहीं होती तो फिर वो कहाँ से आएगा शाह ने लिखा कि अगर आप हदीस चाहते हैं तो अल्लाह सुबह तबी पा सलम ने कहा कि ला तकू मुस्साअू हतुक फिल्ला के उस वक्त तक क्यामत नहीं कायम होगी जब तक ज़मीन में एक भी ये कहने वाला ना हो अल्लाह अल्लाह अगर तो होता रसूल ने कहा होता कि सिर्फ़ अल्लाह तो हम कहते ठीक है लेकिन यहाँ पर रसूल ने तकरार लाई अल्लाह, अल्लाह। तो इसका मतलब यह है कि ज़िक्र अल्लाह अल्लाह से भी होता है अब हम अल्लाह अल्लाह के मल्टीपल सेट्स बना दें तो इसमें कोई हर्ज इसको एक और तरीके से समझने का यह है कि जब कोई बच्चा रो रहा होता है उसने किसी तकलीफ़ से अपनी माँ को बुलाना होता है ज़रूरत से अपनी माँ को बुलाना होता है तो वो किस तरह रोता है अम्मी 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 इस तरह करके रोता है ना वो ये तो नहीं करता प्यारी अम्मी अच्छी अम्मी खूबसूरत अम्मी अम्मी के साथ सिफात नहीं ब्याद करता अपनी दर्द को अम्मी के नाम से बुला के और इसका असर क्या होता है माँ के ऊपर कि माँ का दिल बिल्कुल मेल्ट हो जाता है जब वो देखती है कि मेरा बच्चा मुझे इस, इस तरह इस प्यार से बुला रहा है इस तरफ से बुला रहा है तो वो फौरन उसकी तरफ मुतवज होती है चाहे जो भी काम कर रही हो जिस भी उसमें लगी हो फौरन उसको छोड़ के अपने बच्चे की तरफ मुतवजह हो जाती है अपने बंदे का भी अल्लाह को इस तरह बुलाना अल्लाह 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 का जिक्र करना अल्लाह को पसंद है क्योंकि अल्लाह का सिर्फ जती नाम है इसमें ताल्ला को पसंद है कि मेरा बंदा मुझे यूं बुला रहा है मेरा बंदा मुझे बेख्तियार बुला रहा है तरप के पुकार रहा है याद में पुकार रहा है और वो अल्लाह की मोहब्बत को फिर मुतवज़ करती है और ये अल्लाह को अल्लाह के नाम से बुलाना अल्लाह के सीने को एक ठंडक पहुंचाती है जब इंसान को वाकई किसी से मोहब्बत होती है तो उसका नाम ही जो है ना इंसान के दिल को ठंडा कर देता है लोगों की मंगनियाँ हो जाएँ यहाँ तो सारे बुढ़े बाबे बैठे हुए लग रहे हैं कोई कोई मंगनी वाला है कोई यहाँ पे नहीं ना सब शादी शदा लेकिन किसी की मंगनी हो जाए तो सिर्फ मंगेतर का नाम ही ले लिया जाए तो बंदा छनवाना शुरू कर देता है और ज़रा बटरफ्लाइज चलना शुरू हो जाती हैं क्यूं? क्यों क्योंकि सिर्फ नाम एक वो एक फीलिंग जो है वो निकाल देती है एक दफ़ा ख्वाजा अबू हसन खरकानी रमोत लाई की महफिल में एक हकीम साहब आए अबू अली सीना साहब बहुत ही वो पा शख्सियत थे बहुत ही मुफक् किस्म की शख्सियत थे तो सीना साहब जो है वो ख्वाजा हसन कर्कानी उस महफ़िल में अल्लाह के जिक्र के फ़ायल बयान कर रहे थे कि इससे परेशानियाँ दूर होती हैं आफत से इंसान महफूज हो जाता है ईमान मज़बूत होता है सेहत मिलती है रिस्क में फ़रवानी होती है इल में बरकत होती है अल्लाह की रहमतें आती हैं सोहन सोफोत अल्लाह जिक्र के फ़ायल बयान कर रहे तो बुअ सीना ने कहा कि बुजुर्गों ये एक नाम से इतने पता कुछ बात समझ नहीं आ रही कुछ आपकी बात की किस तरह है तो आदत भी फिर थे उन्होंने कहा कि ए खर तू चदानी कि एक गधे तुम्हें क्या पता अब जब बड़ी महफिल में उन्होंने इतने बड़े मुफक्कर को इतने बड़े पढ़े लिखे इंसान को गधा कह दिया तो उनकी तो तबीयत बदलना शुरू हो गई पसीने आ गए थोड़ा सा रंग बदल गया तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ आपका तो रंग बदलना शुरू हो गया उन्होंने कहा आपने लफ्ज़ ही ऐसा इस्तेमाल किया उन्होंने कहा मैंने अगर एक लफ्ज गधा इस्तेमाल किया और तुम्हारी रंगत बदल गई तो तुम्हारे ख्याल से जो लफ्ज़ अल्लाह जिनको जो इसके मानी समझते होंगे उसके ऊपर इसकी ज़ात का असर नहीं होता होगा तो लफ्ज़ का असर तो होता है सिर्फ दिल की कैफियत के मसला है कि अगर दिल की कैफियत बनी हो तो फिर उसका असर बहुत होता है ना बनी हो तो फिर चाहे आप सौ दफा वो नाम लेते रहे अब जो लोग अपनी बेगम से डरते हैं उनके बेगम का नाम ले लें तो कैसे उनकी हालत बदलती है जो नहीं डरते बाकी बेगम किसी भी के खातून का नाम लेते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता तो दिल पे असर जरूर होता है नाम का अच्छा फिर हम एक और चीज है एक अल्लाह सुबहाना था का इसमें ज़ात है और एक बाकी अल्लाह अला की सिफात है इसमें ज़ात जो है वो है अल्लाह और बाकी जो सिफात हैं वो हैं रहीम रहमान हयू या क्यूम ये तमाम अल्लाह की सिफात हैं अब जो बंदा अल्लाह अला के नाम से ज़िक्र करता है उस पर अल्लाह शमान ताम की नाम की तजल्ली आती है और जो अल्लाह की सिफात का जिक्र करता है वो अल्लाह अल्ला की सिफात कित जल्दी को पाता है अब ये जो बात है ये थोड़ी सी हैवी है बात शायद समझ ना आए लेकिन समझाने के लिए अर्ज़ू कर देता हूँ कि अलमजदल रफसानी रमत ने कहा कि जो हजरात सिफात का जिक्र करते हैं उनको जाती बरकी नसीब होती है जाती बरकी क्या होती है कि जब उनको ज़िक्र में फना नसीब होती है तो उस वक्त अल्लाह सुबहान का देदार जो है वो कुछ अरसे के लिए अल्लाह का ज़ाती देदार होता है उसके बाद जो है उनकी सिफ़ात उसके ऊपर छा जाती हैं ये ऐसे ही है कि जैसे दुल्हन के सामने गए दुल्हन ने कुछ देर के लिए तो अपना घूंघट ऊपर किया उसके बाद जो है वो घूंघट फिर दोबारा आगे कर लिया अब आप उसके घूंघट के जो है वो नक्शो नगार और उसकी कलर और उसकी खूबसूरतियाँ वो तो देखते रहेंगे लेकिन जो असल है उसको नहीं देखेंगे और जो जात का ज़िक्र करते हैं उनको जो है वसल अरियानी नसीब होती है और वो ये है कि जब तजल तातीिय दायमी जैसे कहते हैं और वो ये है कि आप जैसे अल्लाह सुबहान दफ़ा जब दीदार नजीब हुआ तो फिर वो दायमी तौर पर वो आपके साथ रहता है लेकिन ये बातें आगे की बातें अभी तो हम बिल्कुल अलिफ बेग के ऊपर बैठे हुए हैं पहले अलिफ बेग के तो ये समझ लें हम हमारे सिलसिले में टोटल पैंतीस इसबाक हैं उसमें से जो पहले सात इसबाक होते हैं वो ज़िक्र के इसबाक होते हैं उनमें जिक्र करवाया जाता है लफ्ज़ अल्लाह अल्ला के साथ और ये ज़िक्र जो है इंसान को ग़ैर की मोहब्बत से इंसान के अंदर से ख़ाली करके इंसान के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को क़ायम तो करता है तो जब ये गैर की मोहब्बत निकल जाती है और इंसान अल्लाह की ही अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ जाती है इंसान के ऊपर तो फिर दो उसबाक जो हैं वो तहलील के ला अल्ला का कर जिक्र करवाया जाता है ताकि ये जो इंसान के अंदर यह भी पैदा हो गई कि मैंने अपने आप को हर चीज़ से खाली कर लिया वो भी उसके अंदर से मिट जाए कि वो मुकम्मल तौर पे ख़ाली हो जाए और उसके बाद जो इसबाक हैं दसवें सबक से ले कर पैंतीसवें सबक तक वो सारे के सारे फ़िक्र के इसबाक हैं और उसमें जो है वो फिर ज़ात या नाम का जिक्र नहीं किया जाता फिर उसमें सारे फिक्र के इसबाक होते अब तरन पाक में कहा वस रब्ब को रब्बी के का आयफिकल्बी का कि याद करो अपनी नफ्स में अपने दिल में याद करो किस तरह करो या तदर्रुआम व खफियातन, गिरगरा के और बहुत खामोशी के साथ उफ़ी शफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि ये तदर्रुआम व खफियातन के का अल्फाज जो है ना ये इस बात की निशानदेही है कि खामोशी से दिल में अल्लाह को याद करो और फिर अल्लाह सुबह ताली ने एक कहा वसकुलस्म रब भी कहा अल्लाह को याद करो अल्लाह के नाम के साथ अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि अल्लाह का नाम क्या है तो आप क्या कहेंगे अल्लाह है अल्लाह का नाम तो अल्लाह ही है तो कुरने पाक में भी अल्लाह सुबह हमें इसकी तरकीब देते तो मैंने अब आपको अकलन दलील भी दे दी और हदीस से भी दलील दे दी और कुरान पाक से भी दलील दे दी कुर पाक में हदीस पाक में असल इन तीनों तरीक़े से समझना बहुत आसान है कि इस जिक्र का फ़ायदा क्या है सबाता ताली ने बंदे को जिक्र करने का हुक्म हर हाल में दिया है उसमें कहीं एक्सेप्शन नहीं है हत मैदान जन में भी जिक्र का हुक्म है फरमाया फरमायाहीहीना आमनु ऐमान वालो एज़ा लकीत फ़ियातन फसब तो कि जब तुम्हारा काफ़रों में से किसी जमात के सामने आमना हो जाए तो डट जाओ वसकरसिर और क्या करो अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो डट के पहले ये नहीं कहा कि पहले अपनी तलवारें निकाल लो पहले जो है वो मोर्चा बंदी कर दो तैयार हो जाओ निशाने ले लो सबसे पहली चीज़ क्या करो अल्लाह को कसरत से याद करो फिर उसके बाद बाकी इसबाब लो ला अल्लाह हूँ ताकि तुम कामयाब हो जाओ कामयाब ये जो अल्लाह ने हमें तुक्म दिया ना असकुर कुम कि तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हें याद करूँगा इसको भी समझने की ज़रूरत है कि इसका मतलब है क्या इसका मुशाइ ने बहुत मुख्तफ तरीक़ों से इस बात को समझाया उन्होंने कहा कि ये जो हुक्म आया असकुर कुम इसका सबसे पहला मतलब तो ये कि तुम मुझे ज़मीन पर याद करो मैं तुम्हें अर्श में याद करो ये मेरे बंदे तुम मुझे ज़मीन पे याद कर मैं तुम्हें तुम्हारा मालिक तुम्हें अर्श पे याद करूँगा तुम मुझे अपने बंदों की महफिल में याद करो मैं तुमसे इससे बेहतर महफिल फ़रिश्तों की महफ़िल में तुम्हें याद करूँगा वाहिन जकरनी फ़ी मलाई ज़कर फ़ी मलाई खैर उमिन अगर तुम मुझे मजलिस में बैठ कर याद करोगे तो मैं फ़रिश्तों की मजलिस में तुम्हें याद करूँगा वन अतानी यमशी आतई तो हर वला हो कि अगर तुम मुझे चल के मेरे पास आओगे मेरी रहमत तुम्हारी तरफ दौड़ती भी आएगी तो अल्लाह शुहान जितना हम याद करेंगे अल्लाह हमें उससे ज्यादा याद करेंगे फिर एक और मफहम इसका ने सिखाया कि इसका वो ये है कि अगर तुम मेरी अतात करोगे तो मेरी मखलूत तुम्हारी अतात करेगी जितना हम अल्लाह को याद करेंगे अल्लाह के जिक्र में होंगे और जो जिक्र में होता है अगर बड़ी सिंपल सी बात है अगर हमें हर वक्त हर जगह हमारे सिक्योरिटी कैमराज लगे हों हम बड़े महतात रहते हैं हमें याद वो सिक्योरिटी कैमराज हमें याद करा रहे होते हैं कि वी आर बीइंग वॉच और जो है कुछ भी करेंगे तो पकड़े जाएंगे पुलिस का ख्याल जहन में होता है तो हम अपने आप को रोक के रखते हैं तो जिस बंदा भी जो ज़िक्र में होगा वो उसको ये मालूम होगा कि अल्लाह मेरे साथ है अल्लाह मुझे देख रहे हैं अल्लाह मेरे साथ है और जिसको ये मालूम होगा कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं अल्लाह मेरे साथ है वो फिर हर चीज़ को जांचेगा कि मैं गलत तो नहीं कर रहा मैं कोई चीज़ को ऊपर नीचे तो नहीं कर रहा मैं कोई मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हो रहा यानी कि वह अपने आप को हर वक्त अल्लाह की अतहात में रखेगा राषमत कहते हैं अगर तुम मेरी अतात में रहोगे मैं अपनी मखलूक को तुम्हारी अत्यात में कर दूँगा एक शेख हैं वो कहते हैं कि मैंने अपने अल्लाह की नाफरमानी को अपने जो मेरे सब आर्डिनेट्स हैं उनकी नाफ़रमानी में देखा मैं जब नाफ़रमानी करता तो कभी मेरा कोई बच्चा मेरी बात ना मानता मेरी बीवी बात ना मानती मेरा नौकर चाकर मेरी बात नहीं मानता या मेरी सवारी मेरे काबू में ना रहती तो मैंने अपनी अल्लाह की नाफरमानी को अपने मातहतों की नाफरमानी में देखा और हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर ये गिरा कर रहे होते हैं कि जी बच्चे बात नहीं मान रहे बेगम जो है वो आगे से बातें सुनाती है एम्प्लॉज जो हैं वो काम सही नहीं कर रहे काम में मसले आ रहे हैं तो ये दूसरों के ऊपर डालने से पहले हमें अपने ऊपर देखना चाहिए कि हम अल्लाह की कितनी नाफरमानी कर रहे हैं जितनी हम नाफरमानी कर रहे होंगे उतना उसका असर बाकियों के ऊपर नज़र आ रहा होगा जितने हम ताबेदार होंगे उतना उसका असर हमारे इर्द गिर्द के माहौल में होगा तीसरा मफहम फसकों असकुरकुम का यह समझाया कि तुम मेरी इज़्ज़त करो मैं तुम्हें इज़्ज़त फ़रमाऊँगा जिक्र में अल्लाह की भी शामिल है अगर आप किसी का बार बार जिक्र करते रहेंगे और उसके नाम से आपके दिल में दिल की कैफियत बदलेगी तो दो ही वजह से कैफियत बदल सकती है या तो उससे करहत आती होगी चीज़ से या उससे लजत आती होगी हम अचार का नाम लेते हैं आइसक्रीम का नाम लेते हैं मुँह में पानी आ जाता है अल्लाह का नाम लेते हैं लेके गुज़र जाते हैं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो जो लोग अल्लाह की मोहब्बत रखते हैं उनके सामने भी जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो इसी तरह दिल मचल उठता है इस तरह हमारी ज़ुबान मज़ेदार मज़ेदार खानों के नाम ले कर हमारी ज़ुबान पर पानी आ जाता है इसी तरह जो अल्लाह की मोहब्बत रखते हैं उनके दिल में भी अल्लाह के नाम सुन के अल्लाह की तज़ीम बढ़ती है और जो अल्लाह की तज़ीम करते हैं अल्लाह जबाना ताली कहते हैं कि जो मेरी इज़्ज़त करेगा मैं तुम्हारी इज़्ज़त करूँगा हज़रत रहमतुल्लाह रहमुल्ल अल्लाह के बहुत बड़े बड़ी लेकिन अपनी वलायद पाने से पहले गुनाहों में डूबे हुए बहुत मशगूल थे बहुत शौक़ था उनको शराब पीने का एक दफ़ा इसी तरह शराब खाने से निकले तो एक सफ़े पे उनको अल्लाह का नाम लिखा हुआ नजर आया जो कि ज़मीन पर पड़ा था उन्होंने नाम को उठाया और ऊँची जगह पर रख दिया कि अल्लाह के नाम की तज़ीम होती है इसको पाँव ज़मीन पर नहीं गिरा होना चाहिए अल्लाह को उनका ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उनको शराब खाने से निकाल कर और का सरदार बना दिया अल्लाह कहते हैं तुम मेरी इज्जत करोगे मैं तुम्हारी इज़्ज़त करूँगा फिर फरमाया कि फसक्रीनि अस्करों का एक मानी है कि तुम मासीयत से बचने के लिए मुझे याद करो तो मैं मुसीबत के मौक़ों से निकाल निकलते हुए तुम्हें याद करूँगा तुम माशियत के मौक़ों पर मुझे याद करो मैं मुसीबत के मौक़ों पर तुम्हें याद करूँगा क्या मतलब जब हमारे ऊपर कोई मौका पेश आए जहाँ पे हमें गुनाह का मौका मिल रहा हो कोई झूठ बोलने का मौका मिल रहा हो कोई बदनजरी करने का मौक़ा मिल रहा हो किसी को धोखा देने का मौक़ा मिल रहा हो किसी के ऊपर गुस्सा निकालने का मौक़ा मिल रहा हो किसी को तकलीफ़ पहुंचाने का मौका मिल रहा हो किसी से बदला लेने का मौका मिल रहा हो और ये हम सबसे की ज़िंदगी में आते हैं ये कोई ऐसी कोई अनहोनी चीज़ नहीं है हम एक दिन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां पे अब हमारे पे मौका होता है कि हम अपने से किसी छोटे पे गुस्सा निकाल लें हमारे पे मौका होता है कि हम किसी के साथ अपनी बीवी को किसी चीज़ पे झड़प दें हमारे पास मौका होता है कि हम झूठ बोल के कुछ आम से अपने आप को काम से निकाल लें या कोई बद का मौका होता है ये सब मौके अक्सर और वेशतर आते रहते हैं कोई इसमें अनहोनी चीज़ नहीं होती है लेकिन अगर इन मौक़ों पे हम अल्लाह को याद करेंगे अपने आप को अल्लाह की खातिर रोक लेंगे अल्लाह की खातिर पीछे हट जाएंगे या हम थके हुए हों और कोई मौका हो कि हम जो है अल्लाह के मस्जिद जाने का दिल ना चाह, चाह रहा हो नहीं चलो मस्जिद जाना है ब्रेकर पे महफ़िल में जाने का दिल ना चाह रहा हूँ जाना है थक गया हूँ हिम्मत नहीं हो रही लेकिन अपनी ख्वाहिश को तोड़ के अल्लाह की खातिर कि अपने आप को मुश्किल में डाल देना ये वो मौके हैं अल्लाह कहते हैं तुम तो मुझे इस मौक़ों पर मुझे याद करोगे मैं मुश्किल में तुम्हें याद करूँगा हजरत यूसुफ़ मासीत का मौका आया उनकी बादशाह की बीवी ने उनके ऊपर उनको अपनी तरफ ट्रैक करने की कोशिश की उन्होंने अल्लाह से पनाह मांगी जेल में जाना पसंद किया अल्लाह से डर की खातिर अल्लाह ने जेल की मुसीबतों से उनको निकाल के अपने वक्त का बादशाह बना दिया तो जब हम मुसीबत में अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह शबाना परेशानियों में हमें याद करेंगे फिर फरमाया कि फस करो नहीं असकुर कुम का एक मतलब ये कि ए बंदो तुम राहत के मौक़ों पर मुझे याद करो जब हर चीज़ अच्छी गुजर रही हो हर चीज़ तुम्हारे लिए बिल्कुल सेट हो जब जिंदगी में कोई गम ही ना हो कोई तकलीफ तकलीफ़ी ना हो उन मौक़ों में तुम मुझे याद करो खुशी का मौका हो दस्तर ख़्वान भरा हुआ है बच्चे की अच्छी पोजिशन आई है औलाद पैदा हुई है प्रमोशन हुई है अच्छे मौके आए हैं उन मौकों में मुझे याद करो मैं जहमत के मौके पे तुम्हें याद एक मंदी थी जंगल से गुजर रही थी हाथ में छोटा बच्चा था अचानक सामने भेड़िया आ गया घबरा के बच्चा हाथ से गिर गया भेड़िया ने बच्चे को उठाया और भागना शुरू हो गया आ ममता थी एकदम से उसने दिल से आह निकली ऐसी उसकी आह निकली तो दूर एक दरख्त के सामने से एक नौजवान आया बिल्कुल एकदम से भेड़िया के सामने आया भेड़िया भी उसको देख के घबराया बच्चा फिरा और छोड़ के भाग गया उसने आके बच्चे को उसको दिया माँ को वापस उसने पूछा कि नौजवान तू कौन और यहाँ क्या कर रहे तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ अल्लाह ने मुझे तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए भेजा है उसने कहा अल्लाह ने मेरे साथ इतनी फजल क्यों किया उसने कहा कि तुम एक मौके पर खाना खा रही थी और तुम्हारे हाथ में लुकमा था अभी तुम खाने के लिए उसको उठा ही रही थी कि इतने में एक मांगने वाला आ गया और उसने कहा कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो तो तुमने कहा कि चलो इसने अल्लाह के नाम पे मुझसे मांगा है तो मैं इसको अपना खाना दे देती हूँ तुमने खाना उसको दे दिया तो तुमने राहत के लम्हे में अल्लाह को याद करते हुए अल्लाह की खातिर उसको ये चीज़ दे दी तो अब जब तुम्हारे पे जहमत का मौका आया तो जहमत के मौके पे अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया कहते हैं कि तीन बातें हमेशा याद रखें कि जिस कदर इंसान अल्लाह से मोहब्बत करेगा उस कदर अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा करेंगे और यह बात तो आंखों देखी भाल है कि जितने भी अलिया अल्लाह होते हैं लोगों की मोहब्बत उबल रही होती है आप किसी बंदे से सुन रहे हैं वो ये हर एक ऐसी एक कहानी होती है कि हम हजरत से मिलना चाहते थे हजरत के पास जाना चाहते थे कोई मौका नहीं मिल रहा था हम कब से हजरत को ढूंढ रहे हैं कब से अल्लाह वालों के पास लोग इस तरह खिंचे चले आते हैं कि जैसे कोई मैग्नेट के पास जो है ना लोहा खिंचा चला आता है एक के बाद दूसरा एक के बाद दूसरा खिंचे चले आते क्यों क्योंकि वो अल्लाह को दिल में उनकी मोहब्बत भरी होती है अल्लाह ताला मखलूक के दिलों में उनकी मोहब्बत को डाल देते जो बंदा अल्लाह शबहान की इबादत करेगा अल्लाह शबहान तखलूक को उस बंदे की खिदमत में डाल देंगे हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बड़े बड़े काबिल बड़ी बड़ी पोजिशन होल्डर्स को देखा सी और सी टी ओज और सी एक्स ओज और पता नहीं किन-किन को देखा उनकी इज्जत उनके इर्द गिर्द चेले पेले सारे तब तक होते हैं जब वो उस पोजीशन पे होते हैं। जैसे ही वो इस पोजीशन से हटते हैं सब लोग भी उनको इधर उधर कर देते हैं वही बंदा खुद सोच रहा होता है कि यार कल ये सारे मेरे आगे पीछे आगे पीछे और आज मैं तो वही हूँ इनको क्या हुआ यह कोई घास नहीं डालता बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जी हमें तो इतनी इज्जत मिलती थी अब कोई हमें घास ही नहीं डालता तो एक बहुत मशहूर मोटिवेशनल स्पीच है कि एक यू सेनेटर है वो आ, उसने उससे स्पीच दी उसने पोडियम पे खड़े होकर कहता है कि आई एम स्टैंडिंग पेपर मैं उर्दू में बोलता हूँ कि मैं आज खड़ा हूँ यहाँ पे और मेरे हाथ में कॉफ़ी का आ, पेपर ग्लास है मैं बात तो कुछ और करने आया था लेकिन मैं बताना ही चाहता कि मैं पिछले साल भी यहाँ पे था पिछले साल जब मैं आया था तो मुझे टिकट भेजा गया था मैं बिजनेस क्लास फ्लाई करके आया था एयरपोर्ट पे मेरे लिए गाड़ी खड़ी हुई थी और मैं जब यहाँ पहुंचा था तो तीन लोग एक मेरे लिए फाइल लेके खड़ा हुआ था एक मेरे लिए कॉफी लेके खड़ा हुआ था और मुझे उन्होंने जाके एक बड़े कंफर्टेबल कमरे में बिठा दिया और फिर आप मुझे आके कहा कि आप आके बात कर लें आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो टिकट भी मैंने अपना खुद बुरा बुक किया इकोनॉमी क्लास में आया आगे एयरपोर्ट पे भी टैक्सी देनी पड़ी यहाँ पहुंचा तो सबसे पूछा था जाना कहाँ है किसने कहा जाओ उस कमरे में चले जाओ वहाँ जा कर बैठ गया वहाँ पे नज़र आया कि एक मशीन लगी हुई है जिसमें एक डॉलर डाल के मुझे कॉफ़ी का वो, वो लेना था तो ये मैंने कॉफ़ी का फ़र्क क्या हुआ बाद में पिछले साल भी यही करने आया था अब भी यही करने आया हूँ फ़र्क ये हो गया कि पिछले साल जो है मैं सेनेटर था एक पोजीशन पे था आज मैं एक आम सा रिटायर्ड बंदा हूँ तो मुझे कोई पूछ नहीं रहा तो ये हर हक सिर्फ जगह देखा है कि ऐसा ही होता है लेकिन अल्लाह वालों की अजीब शान होती है उनकी खिदमत में लोग ऐसे आगे पीछे एक कोई आगे यहाँ से दबाने की कोशिश कर रहा है कोई यहाँ से और बेलूस खिदमत कर रहे होते हैं उनसे कुछ मिलना नहीं होता ये नहीं होता कि उनसे कोई बहुत ही उनको पैसे मिल जाएंगे लेकिन ऐसी खिदमत में लगे होते हैं कि बस क्यों क्योंकि अल्लाह उनकी खिदमत करवा रहे होते हैं मखलूक से तो जो अल्लाह की इबादत में मेहनत करता है अल्लाह लोगों को अपनी मखलूक को उसकी खिदमत पर लगा देते हैं और जो शख्स जिस कदर अल्लाह से डरेगा अल्लाह से उस कदर उसका रोब अपनी मखलूब पर डाल देते हैं यही वजह होती है कि बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि हजरत आपके सामने आके तो मुँह खुलता ही नहीं है बात निकलती ही नहीं है आपसे हम सोच के आते हैं कि ये भी कहेंगे ये भी कहेंगे ये भी कहेंगे लेकिन कुछ कह नहीं पाते एक रोब होता है उनका लोगों के दिलों पर एक उनका असर होता है क्यों होते हैं हालांकि उनके पास तो कोई ताकत नहीं होती कोई तो मस्किन से लोग होते हैं लेकिन वो रोग अल्लाह लोगों के दिनों पे डाल देते हैं और ये सब हासिल होता है किस चीज़ से जिक्र से फिर फरमाया कि फसरूनी असकुरकुम का एक मफहम यह है कि ये मेरे बंदे कि तू मुझे माजरत से याद करेगा तो मैं तुझे मकफूरत के साथ याद करूँ इंसान गलती का पुतला है, गलती हर एक से होती है तो ये नहीं है कि कह सके कि जी मेरे से तो कोई ख़ता होती ही नहीं है लेकिन अगर हम अपनी ख़ताओं के बावजूद अल्लाह को याद करें गलती करने के बाद भी अल्लाह को याद करें अल्लाह से माफ़ी मांगें तो फिर अल्लाह शुहान इंसान को माजरत के साथ याद करते हैं और इसकी मिसाल अल्लाह शुहान ने अपने अलिया से नहीं अपने अम्बिया से इंसान को सिखा दी हज़रत यून सलाम से गलती हो गई हालांकि अल्लाह के, के नबी थे ख़ा से महफूज थे मासूम थे लेकिन अल्लाह ने उनको ज़रिया बनाना था लोगों को सिखाने के लिए तो मछली के पेट में डाल दिया और मछली के पेट पर जाके उन्होंने क्या किया नहीं पेश किए उन्होंने ये नहीं कहा कि जी वो ये हो गया था इसने कर दिया था उसने करवा दिया था इसकी वजह से ये हो गया था किस तरह हुआ कि सिर्फ ये कह दिया कि ला अलांता सुबह न का इन्नी में नज़ालमीन के अल्लाह आप बहुत पाक हैं और मैं ही खताकार हूँ सिर्फ़ अल्लाह की तारीफ़ बयान कर दी और अपने गुनाहों से ख़तम आपके तलब कर दी ला अः लांत सुबह न का इन्नी कंत में नालमी अल्लाह सुबहान तक मछली के पेट से निकाल दिया फरमाते हैं अल्लाह इन्ना हु काना मिनल बीन कि अगर यून साम हमारी तस्बी न बयान करते लब साफ़ी बद नहीं अल्लाउम युब्बसून कि हम आखिरी दिन तक जब तक लोगों ने इकट्ठा नहीं होना तो उनको यहाँ रहने देते हम भी मुसीबतों में पड़े हुए हैं मुख्तफ़ हैं जिन्होंने हमें खाया हुआ है किसी को नौकरी ने खाया हुआ है किसी को कारोबार ने खाया हुआ है किसी को औलाद ने खाया हुआ है किसी को माल ने खाया हुआ है किसी को गुनाह ने खाया हुआ है किसी को शहावत ने खाया हुआ है किसी को जाड़ों ने इकट्ठे खाया हुआ है तो मुख्त वेले हैं जिनकी उसमें हम फंसे हुए हैं पड़े हुए हैं अल्लाबहाना तला कहते हैं कि अल्लाह की तस्वीर करो ला अः अल्लाम अगर हम भी अल्लाह को इस तरह याद करें हम भी अल्लाह का जिक्र करें तो अल्लाह हमें भी इन मछलियों के पेट से निकालें कसरत से ये ज़िक्र करें ला लांत सुबह नन्तु लात सुबह नन्नीसान अल्लाह ताला ये कोरोना की जो मुसीबत है हमारे सरों पे ये भी एक मुश्किल है कितने लोगों का नौकरी कितने लोगों की परेशानियाँ कितने लोगों का रोज़गार कितने लोगों की घर बार इससे परेशान तबाह हो गया जिक्र करेंगे तो इससे इन ताला हमें निजात दिलाएंगे आखिरी चीज़ फरमाया कि ये मेरे बंदे फसक्रोनी असकुर कौम के तुम मुझे अपने नरम बिस्तरों पर याद करो मैं तुम्हें तुम्हारी कब्रों में याद करूंगा। अभी सुकून के दिन हैं आशाइशों के दिन हैं आराम के दिन हैं क्या वो बैठे अभी सुकून के दिन हैं आराम के दिन हैं आशाशों के दिन हैं राहतों के दिन हैं अभी हम अल्लाह को अपने जर्म बिस्तर पर याद कर लें तो अल्लाह शुभान ताली कब्र में जब सख्त मुश्किलें होंगी वहाँ पर अल्लाह शुहान याद करेंगे रात को सोने से पहले सुरह मुल्क की तलावत कर लें से पाक में आता है सोह मुल्क जो है वो ढाल बन के सामने खड़ी होगी जब फरिश्ते आएंगे इससे सवाल करने के लिए फरिश्ते कहेंगे कि मैं अल्लाह का कलाम हूँ मैं गवाही देता हूँ कि ये बंदा ईमान वाला है इसको छोड़ दो अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो वो अल्लाह से सिफ़ारिश करेगी अल्लाह का कलाम हमारे लिए हमारी सिफारिश करेगा ढाल है इतना फ़ायदा है सोह मुल्क को रात को पढ़ने पर बी पा कहने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे उम्मत के तमाम लोगों के दिल में ये तीस सयात हूँ इतना बड़ा फ़ायदा है कितने लोग हैं हम में से जो कि नहीं पढ़ते रात को सोने से पहले तीन दफ़ा सो रहे अखलास तीन दफ़ा सो फलक तीन दफ़ा सो नाश पढ़ना मशनून नबी बाम हमेशा फरमाते थे कितने लोग हैं जो हमें से ये अमल करके सोते अल्लास में काम दुआ है छोटी सी दुआ है अल्लाह के नाम से सोना कितने लोग हैं जिनको ये दुआ याद है जिनको याद है कितने लोग हैं जो ये पढ़ के सोते हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत फ़ायदेमंद बहुत फायदेमंद बहुत फ़ायदेमंद असल में जो ज़िक्र का मकसद है वो यही है कि हम अल्लाह की मासी तो से हम जिक्र करते रहे मुँह पर हम हाथों में हम जितनी जज्बा तस्वीर करते रहें वो कहते हैं ज़ुबान पर अल्लाह अल्लाह और दिल में जो है वो बंदा काली बला बनाओ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है फ़ायदा ये है कि हमारा जो हाल है वो हमारे बातिन की तर्जुमानी करें ऊपर तो ऊपर लाए ला अंदर अंदर काली बला इसका कोई फ़ायदा नहीं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़िक्र के फ़ायदों को समझने और फिर उन फ़ायदों को समझते हुए जिक्र करने वाला बनाए आखिर रबालमीन